हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 10 और चाय बन रही है। आप लोगों को लगता होगा मैं बना रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बना रहा। ये दीपा मुझ पर ही छोड़ कर गई है कि मैं चाय का ध्यान रखना है, इसलिए मैं चाय का ध्यान रख रहा हूं। दोस्तों, अभी भी मेरा गाल यहां से थोड़ा सूजा हुआ है और मुझे अभी भी पेन हो रहा है। पता नहीं यार ये कब तक रहेगा। मैं भयंकर बोर हो चुका हूँ, खा नहीं पा रहा प्रॉपर। मतलब मुंह तो खुल रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा, दुखता है। मतलब अंदर जो भी फूड होता है वो अंदर खड्डा जो मतलब यहाँ पर था वो उसके अंदर चला जाता है। क्या आप हमें थोड़ा मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? कहाँ से चाहिए? आपसे चाहिए। अच्छा, किस टाइप का मोटिवेशन चाहिए तेरे को? बोल। हमारी एग्जाम है अभी 15 मिनट में, तो हम थोड़े भयभीत हो रहे हैं। सो क्या थोड़ा हमें बूस्ट अप मिल सकता है? चार्ज लगेगा भाई, कितना? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, वो तो हम सोच कर बताएंगे। और जब तक सोचते हैं अभी बता दो, फिर जो चाहिए होगा वो हम आपको दे देंगे। अच्छा, तब ठीक है। तो प्लीज, तो ऐसा है कि मतलब अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और मतलब जो लोग जितनी ज़्यादा तैयारी करते हैं वो उसे डर ज़्यादा लगता है, और जिसने तैयारी की नहीं होती उसको डर लगता ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही वो फेल होने वाला है। अगर आपने तैयारी की है और डर भयभीत हो रहे हो तो वो भयभीत होने का कोई वो कारण ही नहीं है, क्योंकि जब भी पेपर सामने आएगा तो डर सब चला जाएगा अपने आप, क्योंकि आपने देख लिया होता है कि आपको अपने जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको आता है, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले आते हैं वो पहले लिख लो, और जो जो नहीं आते उसके लिए आप सोचो कि आपने क्या पढ़ा था इसके लिए। तो डर के आगे जीत है। डर किसी चीज़ का हल नहीं होता, और आगे बढ़ने के लिए डरने के बजाय उसके हल ढूंढो। ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, अगर जो भी मुश्किली हैं तो उसका सॉल्यूशन भी होता ही है ना। तो कभी भी डरो मत और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाओ। हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि एक ब्रिज मतलब पूरा गाड़ी फास्ट जा रही है और बीच में से ब्रिज टूटा हुआ है और आगे का एक ब्रिज है, तो क्या करता है बंदा, गाड़ी तो और पीछे लेता है और डबल स्पीड से जाता है, तो वो ब्रिज कूद जाता है। शेर भी जब आगे छलांग मारता है तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि शेर डर गया या पीछे हो गया, उसका मतलब ये होता है कि डबल स्पीड से जंप करने के लिए वो थोड़ा पीछे गया है। तो ये डर ये पीछे का एक मूव है, लेकिन आगे जो बढ़ोगे वो डबल स्पीड से बढ़ोगे। सो गॉट इट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू द बेस्ट, अपना बेस्ट दो। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं। चाहे फेल हो चाहे पास हो, जो भी हो वो एक्सेप्ट कर लो और दूसरी बार डबल मेहनत से आगे की तरफ बढ़ो। समझ गए ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दिल्ली में जा रहा हूँ मिर्ची लेने। लोग तेल लेने जाते हैं, आज मैं मिर्ची लेने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मम्मी को मैंने बोला कि भाई बुष्टि को भेज, क्योंकि मम्मी ने कहा कि यार खाली है, वैसे भी और ज़्यादा खाली हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि मैं पहले से कंपैरेटिवली थोड़ी गोरी हो चुकी हूँ? गलत फहमी किसी को भी हो सकती है। गलत फहमी नहीं है पापा। तो अच्छा, हाँ। मुझे नहीं लगता। पहले मैं रोज साइकिल में जाती थी धूप में, हाँ। 20 मिनट, हाँ। फिर आना वापस 20 मिनट, हाँ। तो उस टाइम में 10 हो जाती थी, बहुत 10-11 कुछ भी नहीं, मतलब काली है वैसे। नहीं टिपली बहुत जी से ओए है ना, रुचि काली है ना? नहीं सावली मतलब सेम। काली और सावली में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ब्राउनिश इस सावली, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन, बस इतना फर्क होता है। oh. तो गलत से भी किसी को भी हो सकती है। नहीं तेरी माँ को मुझे काम करवाने में इतना मजा आता है ना, सुकून मिलता है बाय गॉड। नहीं मोटी मम्मी का नाम टुन टुन वॉज ही शिट।
क्या बोल रही है यार, माँ है तेरी माँ, हाँ, माँ है। टुनटुन बोलते माँ को। अरे वो एक कैरेक्टर है छोटा भीम का। छोटा भीम का नहीं, हाँ। वो एक एक्ट्रेस है पुरानी वाली, मैं दिखाऊंगा। अरे लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, वो छोटा भीम एक कैरेक्टर है टुनटुन जो लड्डू बनाती है, वो मुझे नहीं पता टुनटुन ये छोटा भीम में कौन है, लेकिन टुनटुन को मैं जानता हूँ बहुत ही मोटी। तो ये पता है एग्जैक्ट अपने वाली टुनटुन, मैं उस टुनटुन तो की बात नहीं कर रही, आप वाले टुनटुन की, मैं छोटा भीम आप वाली हो, मेरी वाली नहीं है वो। मतलब कि वो कैरेक्टर वाली टुनटुन। हाँ तो अभी दीपा के किचन में छापा पड़ने वाला है, और ये पड़ गया है, और ये दीपा बना रही है खिचड़ी और मिर्ची जो मैं लेने गया था। तो आज मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज क्या है जो खिचड़ी बन रही है, और ये बताएगी दीपा आज कौन सी एकादशी है भाई। योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी है आज, और आज हम खाएंगे खिचड़ी। सो आप सभी को योगा एकादशी योगी योगिनी योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। पुष्टि देखते हैं अभी क्या कर रही है, ये पढ़ने की कोशिश कर रही है। कोशिश कोशिश इसमें कोशिश कहाँ से आई, बाहर से आई और क्या। अच्छा तेरा पेपर कैसा गया आज, भाग जाते हैं। सही बात है, सब जगह पंखा चालू रख के भाग जाते हैं, गवर्नमेंट को फायदा करा रहा हूँ मैं। तो तेरा तेरी एग्जाम कैसे गई आज। अच्छी गई सच्ची में। हाँ, मतलब इतनी भी बुरी नहीं। अच्छा मतलब ठीक ठाक गई ऐसा बोले। अच्छी गई नहीं कहते ऐसे। सो अभी बाहर हो रही है बहुत तेज धूप, तो कृपया करके बाहर ना निकलें, लू लग सकती है और आप काले भी हो सकते हो। सो सावधान दोस्तों। मैं अभी जा रहा हूँ बाइक में ऑयल डलवाने और पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि ये मेरे ससुराल के नेबर्स हैं, उनको चाहिए ये बाइक 20-25 दिन के लिए, तो इसलिए थोड़ा ठीक ठाक कर देना बेहतर होता है। और काफ़ी टाइम से मैंने ऑयल भी चेंज नहीं करवाया, तो सोचा चलो ऑयल चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि मतलब अगर बहुत टाइम से ऑयल चेंज नहीं करवाते तो बहुत ही ख़राब स्मेल आती है बाइक में से, मतलब तेल जब जल जाता है ना तो वो जली जली स्मेल आती है, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक ठाक करके देते हैं और फिर तो चलते हैं फिर। और बाइक को धोनी भी है, तो अब देखते हैं कि बाहर मैं धुलवाता हूँ या फिर घर आकर मैं खुद धोता हूँ। तो जब भी घर से मैं बाहर निकलता हूँ तो अगर मास्क नहीं पहना हो ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है, तो मुझे पता चल जाता है कुछ ना कुछ कम है। जैसे हम जब भी बाहर निकलते हैं वॉलेट मोबाइल ये सब चेक करते हैं, तो सेम अभी वही सिचुएशन हो गई है कि मास्क यार कुछ अधूरा है, मास्क नहीं पहना तो इसके बिना बिना अभी चलता नहीं। कोरोना चला जाएगा फिर भी थोड़े टाइम हमें ऐसा लगेगा कि यार मास्क पहनना है। वेल अभी चलो चलते हैं बाइक पर। दोस्तों अभी हवा और पेट्रोल और ऑयल तीनों करवा लिया, भरवा लिया अच्छे से, मतलब मैं खुद चलाता हूँ, मैं इतनी केयर नहीं करता, लेकिन किसी को देना है तो अच्छे से दे ये मैं मानता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक धुलवाने के लिए, अगर कोई होगा तो मैं धुलवा लूँगा, अदरवाइज मैं घर पर जाकर ही दूँगा। Thank you.
तो दोस्तों फाइनली मैंने बाइक धुलवा दी क्योंकि मैं नहीं धो पाया, क्योंकि पाइप जो लाए थे वो नल के अंदर फिट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए फिर मुझे बाहर ही जाना पड़ा बाइक धुलवाने के लिए। तो फाइनली ये हो गई अपनी बाइक।